साथ छेड़छाड़ के चलते लगभग एक साल पहले हुई थी हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। मोगस थाना क्षेत्र के दुधमनिया गांव का है मामला, पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में किया खुलासा। बहन के साथ छेड़छाड़ के चलते लगभग एक साल पहले हुई थी हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। मऊगन थाना क्षेत्र के दुधमनिया गांव का था मामला, पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता करके दी जानकारी। बहन के साथ छेड़छाड़ के चलते की थी हत्या जीजा साले ने। मऊगन थाना क्षेत्र के छुईया थाने का था मामला, लगभग एक साल पहले हुई थी हत्या। हत्या का खुलासा करते हुए रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, मृतक विकास गिरी पिता इंद्रजाल गिरी, जिसकी उम्र 21 साल थी, छुईया थाना मऊगंज का रहने वाला था। जब कई दिनों तक घर नहीं आया, तब विकास के पिता इंद्रलाल ने 5 अक्टूबर 2021 को अपने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने काफी प्रयास किया उनके बेटे को खोजने का, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। घटना के लगभग 4 माह बाद दुधमनिया के जंगल में 5 फरवरी को पुलिस को एक नरकंकाल मिला था, साथ ही वह पैंट, आधार कार्ड और पर्स भी वहीं पर मिला था। पुलिस ने उसके आधार पर दोबारा जांच प्रारंभ की, जिसकी पहचान विकास गिरी के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक की पहचान के बाद हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस को जानकारी मिली सीतापुर थाना लौर के सिरताज मोहम्मद के साथ यूनुस बख्श पिता अब्दुल मजीद ने यह हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका जीजा सिरताज फरार बताया जा रहा है। पुलिस को पूछताछ में पता चला आरोपी विकास उसके घर देसी अंडा लेने आता था। लगभग 8 बजे के आसपास का समय रहा होगा, घर पर कोई नहीं था, बहन अकेली थी। तभी वह दोबारा घर आया और बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसी दौरान हम लोग घूमकर वापस लौटे, हमने देखा आरोपी हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमारे जीजा गुस्सा हो गए, उन्होंने डंडा लेकर उसको दौड़ा लिया। हम दोनों ने उसको जमकर पीटा, एक डंडा उसके सर पर लगा जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करके लाश को हमने दुधमनिया के जंगल में फेंक दिया था। 4 माह बाद नरकंकाल मिलने के बाद पुलिस ने दोबारा जांच की और हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने धारा 302, 201, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया, दूसरे की तलाश जारी है। सुनिए पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। 5 अक्टूबर 2021 को एक गुम इंसान दर्ज किया गया था थाना मऊगंज में। विकास गिरी नामक युवक गुम इंसान उसका दर्ज किया गया। उसके परिजनों ने आके बताया कि ये 2 तारीख शाम से नहीं मिल रहा है और हमने अपने 2 दिन प्रयास करने के पश्चात आज थाने आए हैं। उसके पश्चात खोजबीन शुरू की गई, परंतु उसका कोई जानकारी नहीं मिली। फरवरी माह में एक हमको जंगल में कंकाल मिला, तो हमने उसके पश्चात उसका पूरा चेक कराया, तो वो विकास गिरी का बॉडी थी। और उसमें फिर आगे बढ़ना हम लोग शुरू हुए, तो विभिन्न एंगल्स पर हम लोगों ने काम शुरू किया और हमने प्रयास किया कि कोई भी हमारा फैक्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके बाद किसी व्यक्ति तक हम पहुंचे तो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा। परंतु फाइनली हमारी टीम ने जो असली आरोपी है इसका यूनुस, उसको खोज निकाला और उसका एक साथी और है। इन लोगों ने पूरी घटनाक्रम ये बताया कि 2 तारीख को विकास गिरी हमारे यहाँ आया था और उसका उद्देश्य, उन्होंने घटना का बताया कि हमारी बहन से इसका छेड़खानी करने का उद्देश्य था, तो इसको हमको पसंद नहीं आया, इसके चलते हम लोगों का इससे विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया और हमने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि विकास गिरी भी फॉरेस्ट के क्षेत्र में काम करता था और आरोपी यूनुस भी जंगल विभाग में विभिन्न प्रकार के काम करता है, तो वन क्षेत्र की जानकारी होने से उन्होंने काफी दूर उसको जाके एक जगह छुपा दिया था, इसलिए समय भी लगा बॉडी को मिलने में, ढूंढने में। और फाइनली इस टीम ने पूरा होमवर्क करते हुए ये केस ट्रेस किया, उसका कारण उनकी द्वारा बताया गया, जो अभी तक की पूछताछ में अपनी बहन से छेड़छाड़ करना बताया गया। और अभी एक आरोपी हमारी गिरफ्त में है, दूसरे आरोपी के लिए हमारी टीम लगी हुई है, अतिशीघ्र हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। पूरी टीम ने काफी अच्छा प्रयास किया है SDP मऊगंज नवीन दुबे के नेतृत्व में, और इसलिए हम नवीन दुबे के लिए रिकमेंड करेंगे ADA साहब से कमेंडेशन लेटर के लिए, और इस टीम को हम लोग
कैश रिवार्ड भी देने का घोषणा कर रहे हैं। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।